का दोस्तों आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। सीआरपीसी में मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों पर विचारणा, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित मामले, यह विचारणा जब प्रारंभ होता है तो न्यायालय उस एफआईआर एवं पुलिस रिपोर्ट की प्रतिलिपि उस अभियुक्त को देने के लिए कहती है। यह सेक्शन 238 में कहा गया है। सेक्शन 239 में कहा गया है कि उस न्यायालय द्वारा अभियुक्त के जो एफआईआर हैं, पुलिस रिपोर्ट हैं, उसके आधार पर अगर लगता है न्यायालय को, तो उसके आधार पर अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई दोष नहीं बनता तो वह उन्मोचित कर सकता है। सेक्शन 240 में कहा गया कि अगर ये लगता है कि उस पर कोई विचारणा बनता है तो उसके लिए उस पर चार्ज लगाए जाते हैं, चार्जशीट बनती है, उस पर जो धाराएं निरूपित किया जाता है, यह सेक्शन 240 में बताया गया है। 241 में न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त उस जो चार्ज है, चार्जशीट है, जो धाराएं आरोपित हैं, उसको अभियुक्त स्वीकार करता है तो उसको दंडित किया जाएगा न्यायालय के विवेकानुसार। 242 में कहा गया कि उस अभियुक्त को अगर लगता है कि वह प्रक्रिया चाहता है, प्रोसीजर को अपनाता है, तो उसको साक्ष्य सबूत देने के लिए कहा जाएगा। सेक्शन 243 में उसको साक्ष्य सबूत प्रत्यक्षा के लिए कहा जाएगा कि अगर वह प्रत्यक्षा करना चाहता है तो कर सकता है। दोस्तों जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना। धन्यवाद।